हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो एक नए व्लॉग के साथ एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। तो वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो यार अभी जो है हम लोग जाने लगे हैं सिटी कोर्ट। सिटी कोर्ट में आज परचम कुशाई का प्रोग्राम, और आज जो है 14 अगस्त है, हमारी पाकिस्तान की आज़ादी का दिन। तो आप सबको बहुत बहुत 14 अगस्त की मुबारकबाद, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो अभी जो है गाड़ी निकालते हैं। बाकी इधर मेरी जेब में झंडा पड़ा हुआ, ये भी लगाना है गाड़ी पे। बाकी ये देख सकते हैं आप, ड्रिप लगी हुई है, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो अभी जो है चलते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों को इंशाल्लाह। रास्ते में दिखाते हैं जहाँ जहाँ सजा होगा सारा दिखाएंगे, और कोर्ट में भी जाके परचम कुशाई होगी, बैंड बाजा बजेगा, वो भी सारा दिखाएंगे। मैं, भाई और अब्बू जा रहे हैं, तो चलते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों को। जो मकाम आज पाकिस्तान, जिस जगह हम सब उसको देखते हैं। प्रेसिडेंट सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन सलीम अली साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और चंद कल बात करें। सबसे पहले मैं अपने लीगल फ्रेटर्निटी के मेंबर और पूरी कौम को जश्न आज़ादी मुबारकबाद पेश करता हूं। हम एक आज़ाद कौम कहलाने के लायक हों, लेकिन पाकिस्तान को कायम करने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो हमने नहीं की। हमारे कंधों के ऊपर है, हमें ऐसा फर्ज नहीं रहना, हमें ऐसा कौम बन के रहना है। अगर हम ऐसा फर्ज बन के रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हम कौम बनेंगे तो पाकिस्तान बनेगा, हम बनेंगे। और काम करने के लिए अपने आप पे जो जिम्मेदारियां हैं उसको खुशसलूकी से अदा करना लाजमी होगी। हम ये नहीं कहेंगे कि किसी एक या दायरे कार में हम जाके मुदाखलत करें, लेकिन वो दायरे कार जिसके अंदर हम वाबस्ता हैं,
जिसके अंदर हमारा ताल्लुक है रहकर अदा करनी होगी। अगर वो नहीं करेगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज तक आज़ादी के बाद आपने देखा कि हमारे पास जमहूरियत का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, लेकिन इस जुडिशियल सिस्टम के अंदर इधर जो आए यार हम नाश्ता करने के लिए। अभी जो है हम लोगों ने आपको दिखाई है हाई कोर्ट का सारा सिस्टम वगैरह, अभी सब जितने भी फंक्शन हुए झंडा वगैरह ऊपर चढ़ाया आप लोगों ने देखा, और बाकी अभी गए हुए थे नाश्ता करने वो भी आप लोगों को दिखाया। सिटी कोर्ट में हम अभी नहीं गए, अगर शायद गए तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। इधर हमारे भाई हैं जो कि बोल रहे हैं अभी हाई कोर्ट में गाड़ी चलानी है, उन्होंने देखें फुल खाली है, तो अभी हाई कोर्ट में गाड़ी चलाने का बोल रहे हैं, तो अभी आप लोगों को फिर मिलते हैं थोड़ी देर तक। तो
यार अभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ चुका हूँ घर पर वापसी। हम लोग कोर्ट गए हुए थे, हाई कोर्ट गए थे, आप लोगों ने देखा माशाल्लाह माशाल्लाह इतना ज़्यादा मज़ा आया। रिबर्ट साहब हमारे साथ और माशाल्लाह ये देखिए इतना प्यारा तैयार हूँ मैं, आइएगा तुम। और इधर बैठे हुए हैं हमारे अजलान भट्ट साहब जो पूरा 14 अगस्त मना रहे हैं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये क्या कर रहे हैं काका? काका देख रहा है कि मेरी वीडियो बन रही है, सीधा होके बैठ जाऊँ। माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों बच्चे माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। और अभी जो है हम लोग आ चुके हैं घर पर, अभी हम लोग काटेंगे पाकिस्तान का केक। अभी पाकिस्तान का केक लेके आए थे हम लोग, भी इंशाल्लाह उसको काटते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। बाकी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा है, आज हम लोग गए हुए थे आप लोगों ने देखा होगा पीछे के घूम चुके आए हम लोग इतना ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। अरीब भट्ट साहब, अरीब आप उठे हुए नहीं थे वरना हम आपको भी लेके जाते। अरीब भी सोया हुआ था, अजलान भी सोया हुआ था, सब भी सोए हुए थे। तो फिर हम चले गए, भाई मैं और अब्बू गए थे। तो अभी आप लोगों को केक वगैरह दिखाते हैं और उसको कटिंग करते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं। नाम वतन का गले लगा के हर मुश्किल से हाथ छुड़ा के तेरे सारे ख्वाब बचा के अलियान अलियान अस्सलाम वालेकुम भाई। अलियान भट्ट साहब हमारे सोए हुए थे, अभी आ गए और ये भी माशाल्लाह आप देखें फुल तैयार रहे हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। अलियान अलियान पोलो बेटा बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सोया हुआ था, अभी ये उठा है, अभी चप्पलों के साथ ही लगा हुआ है अपने। माशाल्लाह इसने हर चीज़ ही पाकिस्तान की झंडे की पहनी हुई। तो यार अभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह केक भी आ चुका है और अभी इसको खाते हैं और बाकी इस व्लॉग के इधर ही एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।